मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित कमिश्नर कार्यालय के पास एक कार में पेट्रोल डालकर गाड़ी ड्राइवर ने आग लगा दी और गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। नेशनल हाईवे 44 पर निकलने वाले लोगों ने गाड़ी में आग जलती देखकर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची। और उसने आसपास तलाश शुरू की। जहां गाड़ी में आग लगी उससे थोड़ी दूरी पर एक लीटर की बोतल में पेट्रोल मिली, जिससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो गाड़ी चला रहा था उसी ने गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि गाड़ी की डिलीवरी ग्वालियर से हुई है और गाड़ी का मालिक दिल्ली में रहता है, लेकिन गलत तरीके से गाड़ी को एक युवक ने हासिल कर ली और जब उस पर दबाव बनना शुरू हुआ तो उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अब पुलिस आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिसमें युवक की पहचान हो सके और जो भी दोषियों हो उन पर कार्यवाही की जा सके। कमिश्नर ऑफिस व कलेक्ट्रेट के बीच सर्विस रोड पर उतार दिया और उतर कर भाग गए। चंद लम्हों में ही पूरी कार आग की लपटों में गिर गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन TI प्रवीण चौहान मौके पर पहुंचे और दमकल ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। TI का कहना है कि आग हमने बुझा दी है। कार में सवार लोग अभी तक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आए हैं। जी, गाड़ी में आग लगी थी, कैसे सूचना मिली और किस तरह से आग को कब हुआ? हम ड्यूटी पे आए 8 बजे, हमारी ड्यूटी चेंज होती है। जैसे मैं ड्यूटी पे आया तो कंट्रोल रूम का फोन आया, कहते ऐसे न्यू कमिश्नर जी के सामने गाड़ी में आग लग गई है। बस वहाँ से आए, 4-5 मिनट हमें आने में लगा, आगे देखा तो गाड़ी पूरी तरह जल रही थी। आगे हमने 15-20 मिनट में आग बुझाई है, फिर हमने पता किया कि किसकी गाड़ी है, तो कोई कह रहा है बिटारा ब्रिज है, कोई कह रहा है किया है, या बहुत से गड़ी थी और अपने आप आग लग गया, डर के आगे आ गई और गाड़ी चल के पूरी राख हो चुकी। कुछ ऐसे बताया रहा भीड़ में कि कुछ लोग इसमें बैठे, दो लोग बैठे थे, कोई हमने पूछा है तो कोई बता ही नहीं रहा है किसकी गाड़ी है। ये पब्लिक ही बता रही है कि जहाँ लोग बैठे थे, लेकिन हमें किसी ने बता मिला कोई नहीं है यहाँ। कितना नुकसान हुआ पूरी गाड़ी? न्यू गाड़ी बता रहे, बगैर नंबर की न्यू गाड़ी बता रहे हैं। बिल्कुल 14-15 लाख तो नीचे कोई है नहीं, बिटारा ब्रिज बता रहे हैं, तो भी किया बता रहे हैं, तो ये मान के चलो 15 लाख तो कम मिनिमम है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।